Hey guys, welcome to our channel, the physics coaching. हम पढ़ रहे हैं quantum mechanics. Quantum mechanics की याद दूसरी क्लास है. अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख ले. उसमें हमने बताया था कि quantum mechanics की शुरुआत कैसे हुई थी. फिर हमने उसमें पढ़ा था photoelectric effect के बारे में और कुछ important point भी देखे थे. आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट. तो आज की क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. तो कॉम्प्टन इफेक्ट है क्या? सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन पे हम कुछ एनर्जी का फोटोन इस पे कोलिजन करवाते हैं. इस कोलिजन से क्या होता है कि जो फोटोन है उसकी जो लेमडा है वो कुछ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डेल्टा लेमडा कुछ बढ़ा हुआ वैल्यू अपने को प्राप्त होती है. इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लो हमने एच न्यू एनर्जी कोई फोटोन इस पे डाला तो अपने को न्यू से थोड़ा लेस यानी कि कम ऊर्जा की फोटोन प्राप्त होगी. तो वो फोटोन की एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी चली जाती है जो ये इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, ठीक है. तो ये इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ था. तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है. कंसीडर ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू नॉट एंड मोमेंटम ऑफ पी बराबर एच न्यू नॉट अपॉन सी, ठीक है. कोलाइडिंग इलास्टिकली विथ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है जहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ये इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन स्कैटर्ड होने के बाद इस तरफ आ गया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होके इस तरफ आ गया. ये एक्स एक्सिस के साथ फोटोन एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है और इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के साथ फाई कोण बनाता है, ठीक है. अब एनर्जी और मोमेंटम कन्वर्जेशन लॉ से हम इनकी एनर्जी और लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करेंगे. कितनी एनर्जी का फोटोन स्कैटर्ड फोटोन अपने को प्राप्त होगा वो ज्ञात करेंगे, ठीक है. तो चलें, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम Along x axis, pi यानी फोटोन का मोमेंटम प्लस किसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, रेस्ट पे है. तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट का जब रेस्ट में होता है तो मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, ठीक. बराबर p cos थीटा प्लस pe cos फाई, यानी कि इसका फोटोन का मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ठीक है, इन x एक्सिस. अभी अलोन y एक्सिस में जीरो, क्योंकि y एक्सिस में फोटोन अपना मूव नहीं कर रहा, अपना फोटोन जो मूव कर रहा है वो x एक्सिस में कर रहा है, इसलिए y एक्सिस का जीरो. बराबर माइनस का फोटोन माइनस पी फोटोन साइन थीटा प्लस पी इलेक्ट्रॉन साइन थीटा, ये अपनी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन. अब इसको अपन सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अबोव इक्वेशन वी गॉट, मतलब क्या करना है,
PE cos phi बराबर PI minus PF cos theta. मतलब क्या करना है, जो PF cos theta का है ना वो बराबर से इस साइड की तरफ लाएंगे तो एक तरफ बच जाएगा PE cos theta बराबर PI minus PF cos theta, एक पहली, और दूसरी जीरो के बराबर थी और एक P ये माइनस में थी तो ये इक्वल हो जाएगी. अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है. तो स्क्वायर करेंगे तो PE स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बराबर पी आई माइनस पी एफ कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो इसकी वैल्यू वन हो गई और ये हो गया पी ई स्क्वायर बराबर, इसको अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो पी आई स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर माइनस टू पी आई पी एफ कोस थीटा. ठीक बात. अब चलते हैं आगे. अब क्या लगाएंगे अपन, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, क्योंकि हाई एनर्जी का फोटोन होगा तो रिलेटिविस्टिक लगेगी. एच न्यू नोट प्लस एम नोट सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. ठीक है, तो आफ्टर स्केटर्ड, स्केटर्ड के बाद फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू प्लस प्रोटोन की उसकी इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई अंडर रूट ऑफ एम नोट सी स्क्वायर सॉरी एम नोट स्क्वायर सी की पावर फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक, अब चलें जस्ट ए सेकंड. अब इनको एडजस्ट करना है अपने को, एडजस्ट करके वैल्यू रखेंगे तो ये हो गई एच न्यू, इस न्यू को इस तरफ लाएंगे एच न्यू माइनस न्यू नोट प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये इसका होल स्क्वायर एच न्यू नोट माइनस एच न्यू होल स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर एच न्यू नोट माइनस एच न्यू, ये हो गया ब्रैकेट हट गया और अंडर रूट हट गया. तो दस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू नोट माइनस एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर एच न्यू नोट माइनस एच न्यू. ठीक, अब पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो पी आई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू पी आई पी एफ सी स्क्वायर कोस थीटा बराबर एच न्यू नोट माइनस एच न्यू टू होल स्क्वायर प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर एच न्यू नोट माइनस एच न्यू. ऑल्सो पी आई बराबर एच न्यू नोट अपॉन सी पी एफ बराबर एच न्यू अपॉन सी. We got this. We got h nu nu naught 1 minus cos theta बराबर m naught c square nu naught minus nu. जो अब इसको तरंग दैर्ध्य यानी कि wavelength के पदों में लिखेंगे तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्केटर्ड माइनस इनिशियल लेमडा बराबर एच एम नोट सी एच अपॉन एम नोट सी वन माइनस कोस सी थीटा. नहीं ना, ये टर्म ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है. ठीक, इसको रिमेम्बर करो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2h अपॉन m नोट c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. ठीक है, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है.
अब देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आपको याद रखने। पहला है प्रोवाइड डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो फोटोन की पार्टिकल नेचर थ्योरी है उसको ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है। सेकंड क्या है, स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम, यानी कि एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, यही निकाला था ना। तो देखो थीटा कैन बी चेंज, और इधर डेल्टा लेमडा, डेल्टा लेमडा यानी कि लेमडा माइनस लेमडा नॉट, तो इस लेमडा पे और इस थीटा पे बाकी चीजें क्या है, कांस्टेंट, तो इन दो पे क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट ये है कि लेमडा नॉट और लेमडा स्केटर्ड, इनके बीच में इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीका से है, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि जो लेमडा है वो क्या है, लेमडा नॉट से ज़्यादा है। और दूसरा ग्राफ अपने को ये दिखा रहा है कि एंगल्स के हिसाब से जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी और लेमडा ई वो किस तरीके से थीटा के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी कि 180 पे मैक्सिमम स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को, स्केटर्ड वेवलेंथ अपने को प्राप्त होती है, और लेमडा ई विच इज 2.43 × 10⁻¹² मीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी ऑफ स्केटर्ड वेव, स्केटर्ड फोटोन एनर्जी इज ई एस इक्वल टू ई नोट, यानी कि ई इनिशियल अपॉन वन प्लस ई नोट एम नोट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। दैट्स मीन इज सम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज अब्जॉर्ब्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन रेस्ट से कहाँ गया, मोशन में, तो ये एनर्जी इसमें खर्च हो गई। ठीक बात, चलें नेक्स्ट। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कॉम्प्टन शिफ्ट कांट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बाउंड सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली बट वैलिड थ्योरेटिकली, यानी कि जो कॉम्प्टन शिफ्ट है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, वो हमको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन थ्योरेटिकली ये एकदम पॉसिबल है। नेक्स्ट है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म आउटर मोस्ट सेल इज रिलीज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज्ड होगा वो कहाँ से होगा, सरफेस या फिर आउटर सेल, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। सेवन पॉइंट है कॉम्प्टन इफेक्ट शॉर्ट वेवलेंथ के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, यानी कि अगर हम कॉम्प्टन इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहें तो अपने को आसानी से शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के साथ यानी हाई एनर्जी के साथ यानी कि गामा रे जैसे गामा रे उनके साथ अच्छा एक्सपेरिमेंटल डाटा अपने को मिल सकता है। और जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करें तो अपने को आइंस्टीन
के द्वारा दिए गए रिलेटिविटी फॉर्मूले से अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू पावर फोर। ठीक है, कॉम्प्टन वेवलेंथ विच इज डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल रेस्ट मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिलेटिव मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, रेडिएशन पार्टिकल लाइक ए फोटोन रेस्ट मास इक्वल टू जीरो, रिलेटिव मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। कॉम्प्टन इफेक्ट कैंट ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन, यानी कि हमको जो कॉम्प्टन है इफेक्ट वो विजिबल रेंज में प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी विजिबल रेंज की एक्स रे से क्या है, कम है। एक्स रे से कम होने की वजह से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैक्सिमम कॉम्प्टन शिफ्ट वेन थीटा इज 180, दिस इज इक्वल टू एच टू एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक, मिनिमम वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी इजिली अंडरस्टूडेबल विथ हेल्प ऑफ कॉम्प्टन इफेक्ट। कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ फोटोन लेमडा फोटोन इज एच अपॉन एम पी सी, सॉरी प्रोटोन वेव, कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज लेमडा पी इक्वल टू एच अपॉन एम पी सी, दिस इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब इसके बाद पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन क्या है, पेयर प्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटोन होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात अपने पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए। जब, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और लाइकली अनस्टेबल होता है। तो जब हमारे पास बहुत ही हाई एनर्जी का फोटोन होगा, वो जब हम किसी न्यूक्लियस के साथ कोलिजन करवाते हैं, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितना मास, इलेक्ट्रॉन जैसा ओरिएंटेशन, बस डिफरेंस क्या है कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, बाकी सेम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के जैसी है। तो जब हम ई बराबर एच न्यू का फोटोन, हाई फोटोन न्यूक्लियस से कोलिजन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। तो ठीक है, और दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या है, पेयर, तो इसे कह दिया पेयर प्रोडक्शन। अब ये भी क्या करते हैं, एनर्जी कन्वर्जेशन नियम का पालन करते हैं। तो एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन रिकॉइलिंग, जब न्यूक्लियस से टकराएगा तो न्यूक्लियस की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी,
मतलब कुछ न्यूक्लियस कुछ मोशन में आएगा तो ये एनर्जी उसकी है, ठीक है। तो इसको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस में लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पॉजिट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन दिस रिलेटिव टू दीज। अपन मानते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है, मतलब रिजिड बॉडी है एक तरह की, ठीक है। तो तब जाके ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का रिलेशन आता है, एच ओमेगा इक्वल टू या फिर न्यू 2mE c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन कैंट ऑक्योर इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज मोमेंटम एंड एनर्जी कन्वर्जेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। मिनिमम एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन, मिनिमम एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज ई मिनिमम इक्वल टू 2mE c² इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली विद हाई एनर्जेटिक एक्सरेज। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो हाई एनर्जी फोटोन होना चाहिए, तब जाके पेयर प्रोडक्शन कहीं होगा। पेयर प्रोडक्शन इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मास एनर्जी इक्वेशन, यानी E = mc², यानी कि आइंस्टीन के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता है कि मास डायरेक्टली कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन क्या है, इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को हम फोर्सली मिक्स करके एक फोटोन क्रिएट करें। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कन्वर्ट इनटू फोटोन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। लाइफ टाइम ऑफ पॉजिट्रॉनियम इज 10^-10 सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पेज देख लेते हैं। जब पेयर प्रोडक्शन होता है तो टू फोटोन आर प्रोड्यूस, सिंगल फोटोन इमिट इज नॉट वैलिड ड्यू टू वॉयलेंस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम कन्वर्जेशन सिमल्टेनियसली, यानी एक साथ जो सिंगल फोटोन इमिशन है वो एनर्जी और मोमेंटम कन्वर्जेशन को वॉयलेट करता है एक साथ। पॉजिट्रोनियम इज हाइड्रोजन लाइक एटम विच प्रोटोन इज रिप्लेस्ड बाय ए पॉजिट्रोनियम, यानी कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में क्या है प्रोटोन है, तो प्रोटोन की जगह मैं रिप्लेस करके क्या कर दूं पॉजिट्रोनियम यानी कि E+। दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रोनियम, ठीक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और कुछ डाउट हो तो वो भी बता देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड बाय, स्टे मोटिवेटेड।